वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद एक लंबे समय से चलता आ रहा है और अब इस मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जहां ये मामला एक लंबे समय से चलता आ रहा था, अब अदालत की ओर से जारी आदेश में ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष के पूजा करने के अधिकार को बरकरार रखा है। बता दें कि हाल ही में पूजा बहाल करने के आदेश वाराणसी जिला अदालत ने दिया था, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट पहुंचा था। मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर की थी, लेकिन अब उसी याचिका को अदालत की तरफ से खारिज कर दिया गया है और हिंदू पक्ष को बड़ी जीत मिली है। इससे पहले वाराणसी जिला अदालत की ओर से जारी आदेश में हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया गया था, यानी कि ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में पूजा की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन उसी के बाद मुस्लिम पक्ष ने इसके खिलाफ याचिका दायर की और मामला पहुंचा इलाहाबाद हाईकोर्ट। और अब अदालत की ओर से मुस्लिम पक्ष के सारे उठाए कदम पर पानी फिर चुका है। हालांकि मुस्लिम पक्ष के पास अभी सुप्रीम कोर्ट जाने का एक विकल्प खुला हुआ है और जाहिर है कि अब मुस्लिम पक्ष का अगला कदम सुप्रीम कोर्ट ही होने जा रहा है। बता दें कि हाई कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पहले ही फैसले को सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से वाराणसी कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें पूजा पर स्टे लगाने की बात कही गई। मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिका में यह तक कहा गया था कि डीएम को वाराणसी कोर्ट ने रिसीवर नियुक्त किया है, जो पहले से ही काशी विश्वनाथ मंदिर के सदस्य हैं, इसीलिए उनको नियुक्त नहीं किया जा सकता। मुस्लिम पक्ष ने यह भी कहा था कि दस्तावेज में किसी भी तहखाने का जिक्र नहीं किया गया है। वहीं यह भी बयान आया कि व्यास जी ने पहले ही पूजा का अधिकार ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिया गया था, उन्हें अर्जी दाखिल करने का अधिकार नहीं है। हालांकि अब जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है और उनकी याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो अब देखना यह है कि क्या मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के खारिज होने की इस निर्णय के बाद क्या अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। फिलहाल अब इस खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।